गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रेशर। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि लिक्विड में अगर प्रेशर आप कहीं पर भी बढ़ाओगे तो वो जो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर है वो बहुत तेज तुरंत हर एक पॉइंट पे हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि प्रेशर एग्जर्टेड एनी वेयर इन द, कोई भी लिक्विड अगर समझ लीजिए पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है, और आप प्रेशर कहीं पर भी लगाते हैं तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर है वो एब्रप्टली होता है, तुरंत होता है, और हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द लिक्विड। ठीक, लेट अस से कि ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अंदर लिक्विड से पूरा भरा हुआ है। ये पूरा लिक्विड से ऐसे 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 इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड से पूरा भरा हुआ है। ठीक, अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हो, यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो ये प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा वो इक्वली हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रेशर रहेगा, यहाँ पे प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो ये प्रेशर इंक्रीज यहाँ पर भी फेल्ट होगा, मतलब इंक्रीज ऑफ द प्रेशर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड क्या करेगा, जो भी प्रेशर है उसको ट्रांसमिट कर देगा जल्दी, तुरंत ही, ठीक है, तुरंत ही यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर देगा। ठीक, इसके बेसिस पे हमारा बनता है हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक जैक एंड ये हाइड्रोलिक जैक का है और एक है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक, ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक। अभी पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया यहाँ पे तो वो प्रेशर यहाँ पर भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन द लिक्विड इज सेम। ठीक है, प्रेशर हर एक पॉइंट पे लिक्विड का सेम होता है। अगर प्रेशर यहाँ पर कोई प्रेशर है तो वो प्रेशर सेम प्रेशर यहाँ पर भी होगा। लेट अस से कि यहाँ पर, लेट अस से ये छोटा मुंह वाला है, ये छोटा मुंह है, इसका बड़ा मुंह है। ठीक है, इसका एरिया मान लो आप ए टू है, ए टू इसका एरिया है और इसका एरिया लेट अस से ए वन है। ठीक है, इसका एरिया ए टू है, इसका एरिया ए वन है। तो यहाँ पे लेट अस से आपने फोर्स लगाया, एफ वन फोर्स लगाया, जिसके कारण कुछ प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो पी वन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी वन इज इक्वल टू एफ वन अपॉन ए वन। बट सेम प्रेशर विल बी हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी सेम प्रेशर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी द सेम। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो, आप पी टू के बारे में कह सकते हो कि पी टू इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू। वॉट इज द पी टू? पी टू विल बी एफ टू अपॉन ए टू। What will be P2? P2 will be F2 upon A2. And if they are, अगर वो दोनों सेम लिक्विड में है तो हमने बताया था लिक्विड सेम लिक्विड में, ठीक है, डेप्थ पे सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम रहता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर यहाँ पे भी होगा। तो P1 is equal to P2 हम कह सकते हैं, P1 is equal to P2 कह सकते हैं। This implies F1 upon A1, F1 upon A1 is equal to F2 upon A2. ठीक है, तो दैट इज, यही एक कोर कॉन्सेप्ट है पास्कल्स लॉ का। क्या कहता है कि लिक्विड में हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम डेप्थ में हर एक पॉइंट पे प्रेशर समान रहता है। लिक्विड में सेम डेप्थ में हर एक पॉइंट पे प्रेशर समान होता है। अगर लिक्विड कन्फाइंड है, अगर पूरी बंद तरीके से की लिक्विड है, जैसे यहाँ पर पूरी बंद लिक्विड थी और प्रेशर तुमने यहाँ पे बढ़ाया, तो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर एक पॉइंट। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एकदम ऊपर का प्रेशर यहाँ के बराबर होगा, इस पॉइंट का प्रेशर यहाँ के बराबर होगा, इस डेप्थ का प्रेशर इस डेप्थ के बराबर होगा। लेकिन तुमने अगर प्रेशर ट्रांसमिट किया, मान लो तुमने ये नहीं लगाया होता, लेट अस से कि ये कुछ इस तरीके का होता, इस तरीके का होता, लेट अस से इस तरीके का होता। ठीक, तुमने ऊपर से कुछ लगा करके इसमें प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज का जो ट्रांसमिट है वो भी हर एक पॉइंट पे होगा। यहाँ पर भी लेट अस से तुम्हारा क्या था, कुछ बंद वो था, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज का जो ट्रांसमिशन होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ठीक, तो प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू, तो फोर्स अपॉन ए वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू हम कर सकते हैं। ठीक, इसके बेसिस पे हमारा पहला बनता है हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, ठीक, ये देख लो, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लो, ये तुम्हारा हैंडल है, ये पिवट है, ये पंप है, ठीक है, ये पिवट है, ये हैंडल है, ये पंप है, ठीक, और ये हाई प्रेशर ऑयल है, ये रैम है तुम्हारा। ठीक, जैसे ही तुम हैंडल को प्रेस करोगे, यहाँ पे प्रेस किए तो ये नीचे इसको प्रेस करेगा, ठीक है, ये प्रेस करेगा तो यहाँ पे, यहाँ से जो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा ना, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करेगा, प्रेशर ट्रांसमिट होगा।
ठीक है, समझ रहे हो ना। प्रेशर जब ट्रांसमिट होगा तो हाई प्रेशर ऑयल में आ जाएगा। हाई प्रेशर ऑयल की वजह से जहां पे ये यहाँ पे कुछ भी रखा होगा वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा। तुम्हारे स्मॉल एफर्ट के कारण यहाँ पे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर गया। ठीक, तो इसका इसका भी मैंने बताया था कि मैं बता देता हूँ क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो F1 upon A1 = F2 upon A2, तो दैट मीन्स F1 = F2 upon A2 into A1, F2 upon A2 into A1। ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे स्मॉल एफर्ट से, ठीक है, यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम स्मॉल प्रेशर दे करके, यहाँ पे स्मॉल प्रेशर दे करके तुम यहाँ पे बहुत सारी चीज, एरिया एरिया कम होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल प्रेशर दिए और स्मॉल एरिया है, लेट अस से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 न्यूटन, रेशियो इज सेम ना, देखो F1 upon A1 का रेशियो सेम आ रहा है F2 upon A2, दैट इज 5 न्यूटन अपॉन एरिया। अगर तुमने कम रखा, लेट अस से तुमने एरिया रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 upon 100 into 1 upon 100, दैट इज इट। तो यहाँ पे तुम कितना लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से तुम कितना लिफ्ट कर सकते हो, दैट लेट अस से तुम 5000 लिफ्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें एरिया यहाँ पे क्या देना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस से तुम 5000 लिफ्ट करना चाहते हो, 50000 लेट अस से लिफ्ट करना चाहते हो, तो 1 मीटर स्क्वायर का तुम्हें एरिया देना पड़ेगा। ठीक है, 50000 न्यूटन अगर लिफ्ट करना चाहते हो तो 5 न्यूटन लगा करके, 5 समझ लो, यहाँ पे समझो हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, लेट अस से यहाँ पे तुम्हारा एक छोटा मुंह वाला है, ठीक, इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुम लगा पा रहे हो 5 न्यूटन का प्रेशर लगा पा रहे हो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ रहे हो ना, बहुत छोटा हुआ, इतना छोटा, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बोर्ड पे, इतना ही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेट अस से कि तुम्हारे पास यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, तुम 5 न्यूटन का बल लगा देते हो, यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगा दिए, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगा दिए, लेट अस से ना यार कि 5 न्यूटन भी, 5 न्यूटन का बल लगा दिए, लेट अस से तुम यहाँ पे ना 10 न्यूटन लगा दो यार, 5 न्यूटन बहुत छोटा आ जा रहा है, इसलिए लेट अस से हम यहाँ पे 10 न्यूटन लगा देते हैं, 10 न्यूटन का बल लगा देते हैं। ठीक, तो 10 न्यूटन मतलब हम यहाँ पे 1 किलो वेट रख देते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना वेट ये उठा लेगा। 1 किलो वेट अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इसका इसका जो ओपनिंग है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका ओपनिंग है 1 मीटर स्क्वायर, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना वेट उठा लेगा। 1 किलो का वेट हमने रखा, तो 1 किलो का वेट कितना फोर्स देगा, 10 न्यूटन का फोर्स देगा। हम करेंगे 10 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 upon 100 into 1 upon 100 = यहाँ पे वेट रख देते हैं W, तो W upon 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे हमारा W कितना आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो W आएगा, W विल बी ये ऊपर, ये उसमें चला जाएगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लाख न्यूटन के बराबर आ गया, यानी कि 10,000 किलो, यानी कि 10 टन के बराबर आप क्या कर सकते हो, 1 किलो रख करके यहाँ पे 10 टन का माल उठा सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ का बस, यहाँ की ओपनिंग जो है, आपकी ओपनिंग अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी, तो आप 1 किलो रख करके यहाँ पे 10 टन माल उठा सकते हो, 10 टन माल उठा सकते हो। हाइड्रोलिक जैक, आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोलिक जैक कितना कितना यूजफुल थिंग है। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ 1 किलो रख करके वहां पे 10 टन की अपलिफ्टिंग कर सकते हो, या 10 टन को, 10 टन को आप बैलेंस कर सकते हो सिर्फ 1 किलो का माल रख करके। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जैक क्या है, समझ लो आपकी गाड़ी गाड़ी खराब हो गई, तो आप हाइड्रोलिक जैक से आप गाड़ी को तो उठा नहीं सकते हो, ट्रक को तो उठा नहीं सकते हो, एक आदमी तो उठा नहीं सकता, एक आदमी ट्रक चला सकता है लेकिन एक आदमी ट्रक उठा नहीं सकता, तो आपके पास जैक होता है, जैक से आपने उठाया, पंचर हो गई है, एक पहिया निकाला, जैक से थोड़ा सा अपलिफ्ट किया, पहिया निकाला, या जैक से अपलिफ्ट करके उसके नीचे घुस करके देख रहे हैं भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी को सुधार लिए, मैकेनिक को बुला लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक जैक का हमारा यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जैक का यूज बहुत 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 जगह है, क्रेन्स में भी हमारा हाइड्रोलिक जैक का यूज होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे यूज होता है। बस आपको ये समझना है कि पास्कल्स के नियम पे ये आधारित है, पास्कल्स के नियम पे, ठीक है, कि प्रेशर लिक्विड में हर एक पॉइंट पे सेम होता है, P1 = P2 हम लोग कर देते हैं, यहीं पे मैं बता देता हूँ,
कि P1 इस पॉइंट का प्रेशर जो है, इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा। P1 इज इक्वल टू P2 कर देते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 जब हम करते हैं, ठीक है। तो तुम क्या लिख देते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को वेट अपॉन एरिया W1 अपॉन A1 इज इक्वल टू W2 अपॉन A2 कर देते हो, ठीक। यहीं से तुम्हारा आ जाता है। अब तुम क्या करते हो, इसकी मूड़ी को छोटा बनाते हो, तो यहाँ पे छोटा वेट रखते हो, तो रेशियो जो है ना W1 अपॉन A2 और W2 अपॉन A2 का रेशियो बराबर आ जाता है, समझ रहा हूँ। यही एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक का। अब देख लेते हैं, अब कॉन्सेप्ट तो हमने समझा, अब ये ध्यान देख लेते हैं। यहाँ पे जब तुम हैंडल को बनाया, यहाँ पे छोटा सा तुम प्रेशर लगाते हो, ये प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिट होकर यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा मास तुम क्या करोगे, अपलिफ्ट कर सकते हो। बड़ा बड़ा मास क्या कर सकते हो, अपलिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बड़ा बड़ा मास तुमने क्या कर दिया, यहाँ से अपलिफ्ट कर दिया। सेकंड तुम क्या, यहाँ पे काम आता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। हाइड्रोलिक ब्रेक, अब ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पे बंदा देखा, पैडल मारा, ब्रेक मारा, तुरंत ही यहाँ पे लिक्विड को तुमने वो कर दिया। लिक्विड क्या गया, यहाँ पे गया लिक्विड, गया 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 प्रेशराइज लिक्विड, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ये देखो इस तरीके का कुछ ब्रेक रहता है, ठीक है, इस तरीके का ब्रेक रहता है। लिक्विड प्रेशर, प्रेशर से आया, प्रेशर से मारा, ये देखो हरे रंग का लिक्विड है, हरे हरा रंग का गया, हरा रंग का लिक्विड है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर से मारा, इन दोनों को जब मारा तो ये ब्रेक इसमें टच किया, ये ब्रेक इसमें टच किया, तो पहिए पे टच किया, तुम्हारी कार क्या हो गई, रुक गई, समझ में आया, ठीक है। तो क्या करता है, लिक्विड में जो प्रेशर ट्रांसफर करता है वो तुरंत ही ट्रांसफर कर देता है, और भाई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, लिक्विड को कंप्रेस हो नहीं रहा है, यहाँ पे तुम दबाओगे तो वहां पे चीजें दब जाएंगी, स्पेस मिलेगा तो वो स्पेस में ऐसे फैल जाए, ठीक है। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ब्रेक का, देख लो यहाँ पे फुट पैडल लगा रहता है, ठीक। ये तुम्हारा वैक्यूम पावर है, पीवट है, यहाँ पे पीवट मतलब दो ज्वाइंट को कह सकते हो, ज्वाइंट को तुम पीवट कह सकते हो। यहाँ पे ब्रेक फ्लूड लगा होता है, ब्रेक फ्लूड है, ठीक। और यहाँ पे देखो ब्रेक फ्लूड इससे अटैच है, ये तुम्हारा ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, ये तुम्हारा व्हील है, ये तुम्हारा ड्रम शू ब्रेक है, ठीक है। ये सिलेंडर है तुम्हारा, ये पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है, इस ये हरा वाला तुम्हारा पाइपलाइन है, ये ब्रेक पिस्टन है, ठीक, ये रिटर्न स्प्रिंग है, ठीक। इस तरीके का कुछ हमारा रहता है, मैं छोटे ऐसे बना देता हूँ इस तरीके का। यहाँ पे तुम्हारा सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, सिलेंडर में लिक्विड है, सिलेंडर के बाद ये तुम्हारा ब्रेक ड्रम है, ड्रम ब्रेक है, इसके ऊपर तुम्हारा ऐसे पहिया लगा रहता है, ऐसे करके पहिया है, ठीक है। ये तुम्हारा जो ब्लैक वाला मैं बना रहा हूँ, ये तुम्हारा ऐसा पहिया है, ठीक। और पहिया से हल्का सा आगे ये ऐसे क्या रहता है, पहिया से हल्का सा आगे तुम्हारा वो रहता है, हरा वाला तुम्हारा समझ लो लिक्विड है, ये तुम्हारा ड्रम ब्रेक है, ये जो तुम्हारा देख रहे हो ना, ये कर्वी, ये है ड्रम ब्रेक तुम्हारा, ये है। अब तुमने जब समझ लो पेडल दबाया, जब तुमने पेडल दबाया तो तुमने लिक्विड को प्रेस किया, लिक्विड को कहाँ की तरफ प्रेस किया, अंदर की तरफ प्रेस किया, तो ये लिक्विड प्रेशराइज लिक्विड यहाँ पे आ जाए, ले 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 ट्रांसफर करेगी, इंस्टेंट ट्रांसफर होता है भाई, इंस्टेंट ट्रांसफर, तुरंत ही यहाँ पे ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जैसे ट्रांसफर किया लिक्विड सिंग, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ये अपना ये इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, इधर टचिंग हो जाएगा, ये टच कर गया, ठीक है, बढ़ गया, टच कर गया, टच कर गया, तो तुरंत तुरंत क्या हुआ, तुरंत व्हील स्टॉप, व्हील स्टॉप कर गई, व्हील्स तुरंत ही क्या करेंगी, स्टॉप कर जाएंगी, स्टॉप कर जाएंगी, तो क्या होगा, बस तुम्हारा ब्रेक लग गया, जैसे स्टॉप की व्हील, तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेक लग गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हमने जो भी कर लिया है, ठीक है, और क्लासरूम में हमने कई सारे एग्जांपल्स इससे पहले ही कर चुके हैं, ये वीडियो आप क्लासरूम के बाद में बना रहा हूँ, तो एग्जांपल्स हमारे क्लासरूम में बहुत सारे हुए हैं, और जो भी लोग चीज़ें नहीं देख पाए हैं या क्लासरूम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, वो वीडियो के थ्रू चीज़ों को अटेम्प्ट करें, सिंस हम लोग कई रिविज़न क्लासेस भी होंगे, अभी तो ये तो हम कहेंगे सिर्फ शुरुआत है, रिविज़न क्लासेस भी होंगी, ठीक है। और 9th ICSE में कोर्स थोड़ा लंबा होता है, बट स्टिल वी विल मैनेज टू टेक अप द रिविजन क्लासेस, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गिव यू द बेस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो इन वन ऑफ द करिकुलम टू प्रोवाइड यू द वीडियो ऑफ द लेक्चर्स, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू अटेंड द क्लासेस, बिकॉज वॉट एवर इज कवर्ड इन द लेक्चर, एंड वी डू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस इन द क्लासेस, एंड वी
टेक अप योर क्वेश्चंस इन द क्लासेस एंड सो डोंट मिस द क्लासेस सो दैट यू कैन वॉच ऑन द वीडियो बट यू अटेंड द क्लासेस सॉल्व वी विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन द क्लासेस इटसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अब इसके आगे जो भी हमारा लेक्चर्स और आएगा उसको हम लोग आगे लेते रहेंगे. थैंक यू.